वेदांत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, डॉक्टर विक्रम चौहान प्लैनेट आयुर्वेदा में बहुत सारे एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जीमा, स्किन डिसऑर्डर्स के पेशेंट देखते हैं, और उनसे जो हमें सीखने को मिलता है कि वो कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या उनके टेस्ट देते हैं, कैसे होती है, बिल्कुल क्या उनको टिप्स देते हैं कि कैसे मैनेज करें अपना एटोपिक डर्मेटाइटिस हर्ब्स के, हर्बल रेमेडीज के साथ साथ, तो वो हम आगे आप तक शेयर करना चाहते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, एक स्किन डिसऑर्डर है, एक्जीमा का ही एक टाइप है। एक्जीमा का अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्जीमा इज एटोपिक डर्मेटाइटिस। इसमें होता क्या है, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो कि हमें बाहर की ऑब्नॉक्सियस चीजें जो है जिससे हमें मतलब डिजीजेस वगैरह होती है जिससे बचाती है, अगर नॉर्मली देखें तो इम्यूनिटी का ये काम होता है। लेकिन जब इसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है तो जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, तो वो छोटे से छोटे एलर्जन को भी एक इरिटेंट की तरह निकलती है और अपने रिएक्शन थ्रो करती है, जिसमें कि स्किन पे क्या होता है कि इचिंग होने लग जाती है, रेडनेस होती है, ड्राइनेस होती है, स्वेलिंग आती है, ये सारे सिम्टम्स और साइंस हमें देखने को मिलते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस में। एटॉपिक डर्मेटाइटिस को अगर हम देखें तो आयुर्वेदा में विचर्चिका बोला जाता है। तो जैसे कि विचर्चिका में मैं जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि तीनों दोष होते हैं वाता पित्त कफा, तो उसी प्रकार है इसमें पित्ता और कफा का बहुत डोमिनेंट रोल है। तो जैसे कि अगर कोई भी चीज हमारे में वाइटलेटेड हो गई है, जैसे पित्ता और कफा दोष अगर बढ़ गए हैं, तो वात दोष की वजह से वो दोनों कफा और पित्ता अपनी स्किन अपनी जगह से हटके वो स्किन के डिफरेंट एरियाज में जाएंगे और वहां पे क्या होगा, वहां पे विचर्चिका या स्किन डिजीज डिसऑर्डर्स कर देते हैं। तो मेनली पित्ता और कफा को बैलेंस करने के लिए ही होता है। तो अगर कोई भी हमारे पास इचिंग हो रही है तो वो मेनली वाता दोष के कारण होती है। अगर कोई बर्निंग सेंसेशन है या फिर पेन है या फिर इन्फ्लेमेशन है तो वो किसकी वजह से, वो पित्ता की दोष की वजह से। और कोई ओजिंग है, कोई भी मतलब कि कोई पिंपल्स या फिर पस है, तो वो उसकी वजह से, कफा वाता की वजह से भी होता है और कफा दोष की वजह से भी होता है। तो इसी प्रकार जैसे कि आयुर्वेद में भी बोला गया है कि विरुद्ध आहार विहार, तो मतलब अगर हमारा आहार सही नहीं है और हमारी दिनचर्या सही नहीं है तो उसकी वजह से एटोपिक डर्मेटाइटिस देखा गया है। तो जैसे कि अगर आप दूध के साथ मछली लें तो ये क्या होता है, ये विरुद्ध आहार विहार है, इससे बहुत प्रोमिनेंट कारण माना गया है विचर्चिका का। तो अगर बिल्कुल आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी हीट हुई पड़ी है, तो आपके साथ ऐसे गर्मियों में तुम देखते हैं कि बच्चे हैं या फिर बड़े भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करके खेल कूद के आते हैं तो साथ के साथ कोल्ड वाटर शावर ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे भी ये चीज हो जाती है। ये सारे अगर हम देखें तो कॉजेज रहते हैं या फिर जैसे आपने बताया कि कोई चीज की एलर्जन, लाइक कोई पोलन की एलर्जी, कोई एनवायरमेंटल सीजनल एलर्जी, या फिर आप कईयों को होते हैं कि गर्मियों में हो जाता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक इफेक्ट्स होते हैं, या फिर कोई भी चीज खाने से जैसे खान पीने की चीजें, कईयों को वीट एलर्जी होती है, उससे क्या होता है स्किन पे रैशेस भी आ जाते हैं। और भी बहुत कारण होते हैं जैसे आईटीबी, उसमें क्या होते हैं कि आपके रैशेस पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, कईयों को कोई सब्जियों से एलर्जी होती है, तो उससे क्या होता है कि ये जो स्किन पे जो दूषित हो जाती है हमारी स्किन, उससे बहुत सी पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ एक मेंटल ट्रॉमा भी आ जाता है, क्योंकि उनकी स्किन नॉट लुक गुड, उनकी स्किन बहुत ही अच्छी नहीं लग रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको आगे फेस करना हो, आपके वर्क प्लेस में भी आपको काफी डिफिकल्टीज आती है। तो जो भी चीजें हमारे वात पित्त और कफ को जो भी एग्रावेट करती हैं, स्पेशली कफ और पित्त जो एग्रावेट करेगी, तो वो चीजों से एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। जैसे कि आपने बताया इन सारी चीजों, उसके अलावा और चीज आ जाएगी कि स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड या डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लेना, ये चीजें लेना, दिन में ज्यादा सोना, या फिर आप जैसे विद्युत हनी को गर्म करके लेना, ये भी एक है, और उसके दूध के साथ नमक ज्यादा लेना या नमक वाली चीजों के साथ मीठा लेना, खाना खाते ही बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, तो ये सारी चीजें ही आ जाती है। नेचुरल अर्जेस को दबाना, जैसे कि अगर हम सिर्फ इमोशंस पे ही जाएं तो अपने इमोशंस को दबाने से भी अगर हम देखें तो स्ट्रेस भी एक बहुत स्ट्रेस के कारण भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो इसकी आयुर्वेदा में भी काफी मतलब की चिकित्सा बताई गई है, तो उसके लिए हम हर्बल फॉर्मुलेशंस भी हैं हमारे पास, मेनली जो हर्ब्स हैं
लाइक मंजिष्ठा हो गया, ये बहुत है, घृत कुमारी हो गया हमारे आयुर्वेदा में, ये काफी पित्त पापड़ा हो गया। तो ये पित्त पापड़ा हो गया, जैसे कि ये क्या ठंडी हो गई चीजें, तो ये हमारे दोषों को दबाने में, जैसे कूलिंग हर्ब्स हैं ये सारे, तो जो मंजिष्ठा है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो उसी तरह जैसे घृत कुमारी है, एलोवेरा जो ब्लड प्यूरिफायर है, इसके अलावा मतलब हमारे पास और भी बहुत है, जैसे गंधक है हमारे पास, ये भी काफी स्किन डिसऑर्डर्स में हम दिया है। नीम हो गया, नीम बहुत इफेक्टिव है, अगर आप नीम का, नीम जैसे आप नॉर्मल कहीं भी आपको रेडनेस है, इचिंग है, तो आप नीम का ऑयल या फिर नीम के पत्तों का लेप भी लगा लेंगे अपनी बॉडी पे, तो उससे भी क्या होगा आपकी इचिंग वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे कि अभी घर पे अगर कोई बहुत इचिंग हो रही है, तो उसमें हम कोकोनट वाटर सॉरी ऑयल में हम क्या करेंगे केमिकल मिक्स करके उसको लगाने को 100 ml कोकोनट ऑयल लेके उसमें 1 चम्मच आप प्यूरिफाइड कैम्फर जिसको बोलते हैं तो वो डाल के उसका मिक्सचर कर ले अच्छे से, और उसको जहाँ जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया है, जहाँ ड्राइनेस है, जहाँ पे लीजन्स है, तो वो वहाँ पे लगाए तो आराम मिलता है, आराम भी मिलता है। उससे क्या होता है कि जो भी हमारी जो भी और अंदर से भी नीम अच्छा है, तो जो भी बैक्टीरिया है हार्मफुल जिसकी वजह से कोई टॉक्सिन्स है या फिर कोई पोलन जिसकी वजह से एलर्जी है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है नीम। और उसके अलावा हमारे पास जैसे प्लैनेट आयुर्वेदा में भी हमने देखा है कि डॉक्टर विक्रम चौहान वो काफी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट आयुर्वेदा में रेडिएंट स्किन हेयर ग्रोथ फॉर्मुला है, इसमें क्या है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया हर्ब्स है हमारे, मंजिष्ठा है और घृत कुमारी है, चिरायता है, पित्त पापड़ा है, तो ये सारी कूलिंग हर्ब्स है, और जो हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो, उनको कम करने का काम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास नकर्षित चूर्ण भी है, नकर्षित चूर्ण में क्या है, जो हरड़ बेहेड़ा आंवला ये तो डला ही हुआ है, साथ में जो स्किन के मंजिष्ठा हो गया इसके लिए भी है, पूरा पैक है, जो हमारी टॉक्सिफाई करता है, मेनली इंप्यूरिटीज को टॉक्सिफाई करने के लिए हम नकर्षित देते हैं। और हमारे पास लिपू ऑयल है, और ये लोकल एप्लीकेशन के लिए ही है कि लोकल एप्लीकेशन कभी उसके लिए इचिंग को रिड्यूस करेगा, कोई रेडनेस है या फिर आपको बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो उसके लिए भी है, तो ऊपर लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप जैसे आपने भी कभी होम रेमेडीज बताई, कुछ बेसिक टिप्स हैं, जैसे कि अगर आप जब जो पेशेंट है एटॉपिक डर्मेटाइटिस का जब नहा रहे हैं, तो वो अगर मतलब रगड़ने के बजाय तौलिया से टॉवल से रगड़ने के बजाय उसको पैड करेंगे, हल्के हल्के ऐसे सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे जो इरप्शन जो भी लीजन है वो मतलब खराब भी नहीं होंगे और स्क्रैचिंग भी नहीं होगी। ये होता क्या है स्क्रैचिंग से, एक मतलब अगर जब भी इचिंग होती है तो जब पेशेंट इच करता है तो एक जो स्किन का बैरियर होता है वो टूटता है, तो जिससे कि क्या होता है स्क्रैच और इच की एक साइकिल सी बन जाती है, जितना आप इच करते हो स्क्रैच करते हो उतनी इचिंग बढ़ जाती है, तो इट विल बी बेटर अगर आप पैड करके सिर्फ उसके पैड करके सुखा दो, ड्राई कर दो। उसके अलावा जैसे आपने बोला कि नीम को अगर हम नीम ऑयल लगाएं तो वो भी हेल्प करेगा, कैंपर में कोकोनट ऑयल मिला के लगाए तो वो भी हेल्प करेगा, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, कद्दू में टर्मरिक है तो वो काफी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है उसका, तो टर्मरिक भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे पित्त पापड़ा या फिर मुल्तानी जो ठंडी चीजें होती हैं वो कूलिंग इफेक्ट देती है। अगर हम अवॉइड करने की बात करें तो फ्राइड फूड, सी फूड जिसमें सॉल्ट का वो इंडेक्स ज्यादा है, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो चीजें इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं उनका कंजप्शन पेशेंट जो है वो थोड़ा कम करे, और लाइट चीजें जैसे कि जूसेस हो गए, होममेड मतलब लाइट वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन जूसेस लेने के लिए कैरेट जूस, कैरेट जूस हो गया जो, या फिर हमारा स्पिनच हो गया, या फिर जो करेला है, करेले की चीजें खाने से क्या होता है, बिटरगार्ड जूस है, ये सारी डिटॉक्सिफाई को तो ऐसी चीजें लेनी चाहिए। और आपको स्ट्रेस देने के लिए हमारे पास मेडिटेशन भी है, योगा है, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, तो आपकी मेरी ओबेसिटी है, ओबेसिटी को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, तो कई बार हम खाना पीने इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से भी हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, और स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन भी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ऐसे पेशेंट को, नॉनवेज मेनली अवॉइड करना चाहिए, नॉनवेज भी अवॉइड करना चाहिए, और खाना तभी खाएं जब भूख लगे, जब तक मतलब फील हो रहा है ऐसा कि अनडाइजेस्टेड है, सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ है पहले का खाया हुआ खाना, तब तक खाना ना खाएं, क्योंकि इससे भी क्या होता है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कलेक्ट होता रहता है, आमा जिसे बोलते हैं वो बन जाता है, और जो आपके दोषाज है वो एग्रवेट हो जाते हैं, तो इट विल बी बेटर अगर आप भूख लगने पे ही खाना खाओ, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, मेनली
तो इस तरह से अगर जैसे हमारे पेशेंट्स भी काफी मैंने देखा है स्केली स्किन हो चुकी है तो वो भी हमारे पास होते हैं, काफी क्रोनिक वाले होते हैं जिनको टॉपिक डर्मेटाइटिस है। ये मोस्टली बच्चों से स्टार्ट होता है और काफी ओल्ड एज में भी पेशेंट्स को देखा गया है। तो इसमें हमारे पास टॉपिक डर्मेटाइटिस पैक बनाया है हमारे प्लैनेट एल्गेटा में, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जैसे नकर्षिक हो गया, रेडिंग स्किन फॉर्मुला हो गया और लिपो ऑयल हो गया और सोप भी है हमारे पास। तो इस तरह से पैक हम देते हैं मेनली एज ए बेसिक पैक। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन पे हम आगे के डिफरेंट मेडिसिन है तो काफी इफेक्टिव है। और जैसे कि आप एलोपैथी लोग तो काफी वो स्टीरॉइड्स वगैरह ही देते हैं जो स्टीरॉइड्स ही तो उसका बहुत ही गंदा ही इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है वो कोई भी। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट कंडीशन और भी वर्स्ट होती है। तो मेनली आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कोई हर्बल कुछ ऐसा यूज करें जिससे आपको साइड इफेक्ट्स ना हो और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है, प्योर तरीके का कोई केमिकल कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होता है इन प्रोडक्ट्स में। और सूदिंग और कूलिंग हर्ब्स मेनली आयुर्वेदा है, एंशिएंट हमारी जो भी है हमारी फॉर्मुलेशंस है। थैंक यू सो मच।